नमस्कार दोस्तों, एक नए वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2021 का स्टेबल वर्जन यानी कि फुल वर्जन माइक्रोसॉफ्ट के ऑफिशियल वेबसाइट से कैसे डाउनलोड, इंस्टॉल और एक्टिवेट करते हैं, इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं, ताकि आप ऑफिस 2021 को लाइफ टाइम के लिए अपने विंडोज 10 या विंडोज 11 कंप्यूटर में यूज कर सको, वो भी बिना एक रुपया खर्च किए। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना और साथ में लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो आइए दोस्तों, आज कुछ नया सीखते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, मैं आपको ये दिखाना चाहता हूं कि मेरे इस कंप्यूटर में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का कोई भी वर्जन पहले से इंस्टॉल है या नहीं। उसके बाद से मैं आपको आगे का प्रोसेस बताऊंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, मैंने कंट्रोल पैनल को ओपन किया है और अब मैं जाता हूं प्रोग्राम्स एंड फीचर्स में। आप दोस्तों देख सकते हो, मेरे इस कंप्यूटर में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का कोई भी वर्जन पहले से इंस्टॉल नहीं है। तो आइए अब मैं आपको बताता हूं कि कैसे आप अपने विंडोज 10 या फिर विंडोज 11 लैपटॉप पीसी में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2021 का स्टेबल वर्जन यानी कि फुल वर्जन डाउनलोड, इंस्टॉल और एक्टिवेट करोगे। तो इसके लिए दोस्तों आपको क्या करना है, सिंपली आपको अपने कंप्यूटर में अपने ब्राउजर को ओपन करना है। फिर यहाँ ऊपर एड्रेस बार में आपको टाइप करना है ऑफिस डिप्लॉयमेंट टूल। ऑफिस डिप्लॉयमेंट टूल टाइप करके इंटर कर देना है। सबसे ऊपर ही आपको माइक्रोसॉफ्ट का ये ऑफिशियल वेबसाइट मिलेगा, डाउनलोड ऑफिस डिप्लॉयमेंट टूल फ्रॉम ऑफिशियल। आपको इस पे क्लिक करना है, ये इंटरफेस निकल के आएगा और यहाँ पे आप देख सकते हो ऑफिस डिप्लॉयमेंट टूल और नीचे डाउनलोड का बटन दिया है। आपको इस डाउनलोड बटन पे क्लिक करके इसके एक छोटे से फाइल को डाउनलोड कर लेना है, जिसका साइज आप देख सकते हो 3.6 MB। इसे डाउनलोड करने के बाद अब आपको अपने ब्राउजर में एक नया टैब ओपन करना है और इस बार आपको यहाँ पे टाइप करना है ऑफिस कस्टमाइजेशन टूल। ऑफिस कस्टमाइजेशन टूल टाइप करके इंटर करना है। फिर से आपको यहाँ सबसे ऊपर ही माइक्रोसॉफ्ट का ये ऑफिशियल वेबसाइट मिलेगा, ऑफिस कस्टमाइजेशन टूल माइक्रोसॉफ्ट 365 एप्स एडमिन सेंटर। इस पे आप क्लिक करोगे, ये इंटरफेस निकल के आएगा। अब यहाँ पे दोस्तों आप थोड़ा ध्यान देना, यहाँ पे आप देख सकते हो पहला ऑप्शन है विच आर्किटेक्चर डू यू वांट टू डिप्लॉय 32 बिट, 64 बिट। अगर आपका विंडोज 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम को सपोर्ट करता है तो आप यहाँ पे पहले ऑप्शन 32 बिट को सिलेक्ट करोगे। अगर आपका विंडोज 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम को सपोर्ट करता है तो आप यहाँ पे दूसरे ऑप्शन 64 बिट को सिलेक्ट करोगे। लेकिन अगर आप श्योर नहीं हो, आपको ये पता नहीं है कि आपका विंडोज 32 बिट को सपोर्ट करता है या फिर 64 बिट को, तो पहले आपको ये कंफर्म कर लेना है। कैसे कंफर्म करोगे, आइए बताता हूं। तो इसके लिए सिंपली आपको यहाँ नीचे इस विंडोज के आइकन पे क्लिक करके सेटिंग्स पे क्लिक करना है। फिर सेटिंग्स के इस पेज पे आपको जाना है सिस्टम में, और दोस्तों सिस्टम के अंदर सबसे नीचे जाओगे तो आपको अबाउट का ऑप्शन मिलेगा, इस पे क्लिक करोगे तो इसी के अंदर आपको मिल जाएगा सिस्टम टाइप। आप यहाँ पे देख सकते हो मेरे कंप्यूटर में जो विंडोज 11 इंस्टॉल है वो 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम को सपोर्ट करता है। अगर आपका विंडोज 32 बिट को सपोर्ट करता है तो यहाँ पे लिखा होगा 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इस तरह से आपको कंफर्म कर लेना है और उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। उसके बाद दोस्तों अब आपको नीचे आना है यहाँ पे ऑफिस सूट में, और आपको इस ड्रॉप डाउन मेन्यू पे क्लिक करना है। इसके अंदर आपको एक ऑप्शन मिलेगा ऑफिस LTSC प्रोफेशनल प्लस 2021 वॉल्यूम लाइसेंस, इसको सिलेक्ट करना है। फिर स्क्रॉल करके नीचे जाना है और यहाँ पे आपको आ जाना है एप्स वाले सेक्शन में, और इसके अंदर दोस्तों आपको उन सभी एप्स को डिसेबल कर देना है जिन्हें आप ऑफिस 2021 के साथ डाउनलोड नहीं करना चाहते हो। जैसे कि आप देख सकते हो मैं ऑफिस 2021 के साथ सिर्फ वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट और आउटलुक को डाउनलोड करना चाहता हूँ, तो बाकी सबको मैंने डिसेबल कर दिया है और इन चार को मैंने इनेबल रखा है। उसके बाद सिंपली आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। फिर यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा सिलेक्ट प्राइमरी लैंग्वेज, ड्रॉप डाउन मेन्यू पे क्लिक करना है और इसके अंदर आपको इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट्स, इसको सिलेक्ट करके नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। फिर नेक्स्ट पे क्लिक करना है, स्क्रॉल करना है, सिंपली अब आपको यहाँ पे नेक्स्ट पे ही क्लिक करते जाना है, ठीक है। और दोस्तों लास्ट में जब आप यहाँ स्क्रॉल करोगे तो फिनिश का बटन मिल जाएगा, इस पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे नीचे और ऊपर साइड में भी आपको एक्सपोर्ट का बटन मिलेगा, आपको एक्सपोर्ट बटन पे क्लिक करना है। ये इंटरफेस निकल के आएगा, यहाँ पे दूसरा ऑप्शन ऑफिस ओपन XML फॉर्मेट्स, इस ऑप्शन को सिलेक्ट करके ओके पे क्लिक कर देना है। फिर ये इंटरफेस आएगा और यहाँ पे आपको ये ऑप्शन आई एक्सेप्ट द टर्म्स इन द लाइसेंस अग्रीमेंट चेक मार्क करके एक्सपोर्ट पे क्लिक करना है,
और दोस्तों यहाँ पे देखिए ये फाइल डाउनलोड हो जाएगा। ये भी बहुत ही छोटा सा फाइल है। डाउनलोड करने के बाद अब दोस्तों आपको अपने कंप्यूटर में दिस पीसी को ओपन करना है, फिर आपको जाना है सी ड्राइव में, और सी ड्राइव के अंदर आपको एक नया फोल्डर क्रिएट करना है। राइट माउस क्लिक करके न्यू पे जाना है फोल्डर, और इस फोल्डर का नाम आपको दे देना है ऑफिस 2021। ठीक है, सॉरी गलत नाम हो गया, मैं इसको रीनेम कर देता हूं ऑफिस 2021। ठीक है, फोल्डर मैंने क्रिएट कर लिया। इसके बाद से आपको जाना है डाउनलोड फोल्डर में, और ये जो दोनों फाइल आपने डाउनलोड किया था इसे आपको यहां से कट करना है, फिर से सी ड्राइव को ओपन करना है, और जो फोल्डर आपने क्रिएट किया था ऑफिस 2021 के नाम से इसको ओपन करके इसी के अंदर पेस्ट कर देना है, जैसे कि आप यहां पे देख सकते हो। पेस्ट करने के बाद से दोस्तों अब आपको यहां ऑफिस डिप्लॉयमेंट टूल इस वाले फाइल पे राइट माउस क्लिक करना है, आपको एक ऑप्शन मिलेगा रन एज एडमिनिस्ट्रेटर, इस पे क्लिक करना है, फिर आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा। आपको यहाँ पे ये जो लास्ट में ऑप्शन दिया है क्लिक हियर टू एक्सेप्ट द माइक्रोसॉफ्ट सॉफ्टवेयर लाइसेंस टर्म्स, इसको चेक मार्क करके कंटिन्यू बटन पे क्लिक करना है। उसके बाद इस तरह का एक छोटा सा विंडो ओपन होगा, यहाँ पे आपको दिस पीसी पे क्लिक करना है, यानी कि उसको एक्सपेंड करना है, सी ड्राइव के अंदर जाना है, और जो फोल्डर आपने क्रिएट किया था ऑफिस 2021 के नाम से उसको सिलेक्ट करके ओके पे क्लिक कर देना है। ये सारा फाइल इसी के अंदर एक्सट्रैक्ट हो जाएगा, जैसे कि आप यहां पर देख सकते हो इसी के अंदर आपको सेटअप फाइल मिल जाएगा। अब दोस्तों आपको क्या करना है, आपको अपने कंप्यूटर में यहां नीचे सर्च बॉक्स पे क्लिक करना है, और इसमें आपको टाइप करना है CMD। ऊपर ही आपको कमांड प्रॉम्प्ट मिलेगा, कमांड प्रॉम्प्ट पे राइट माउस क्लिक करके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर यहां पे भी आपको मिल जाएगा। सिंपली आपको कमांड प्रॉम्प्ट को एज एन एडमिनिस्ट्रेटर ओपन करना है। ठीक है, और कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो जाने के बाद से अब आपको यहां पे एक छोटा सा कमांड टाइप करना है। यहां पे दोस्तों आपको टाइप करना है CD स्पेस C कॉलन बैकवर्ड स्लैश, उसके बाद जो फोल्डर आपने सी ड्राइव के अंदर क्रिएट किया था ये वाला ऑफिस 2021 उसका नाम आपको यहां पे टाइप कर देना है इस तरह से। ठीक है, उसके बाद सिंपली इंटर कर देना है। अब आप यहां पे देख सकते हो इसका पाथ चेंज हो चुका है सी ड्राइव के अंदर ऑफिस 2021। इसके बाद अब आपको यहां पे एक और छोटा सा कमांड टाइप करना है। यहां पे दोस्तों अब आपको टाइप करना है setup.exe स्पेस फॉरवर्ड स्लैश कॉन्फ़िगर स्पेस configuration.xml। यह है पूरा कमांड setup.exe स्पेस फॉरवर्ड स्लैश कॉन्फ़िगर स्पेस configuration.xml। ये कमांड टाइप करने के बाद से सिंपली आपको अपने कीबोर्ड पे इंटर प्रेस कर देना है, और दोस्तों कुछ सेकंड का टाइम लेगा, आपके कंप्यूटर के अंदर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2021 इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। इस तरह का इंटरफेस आएगा जहां पे आप देख सकते हो प्लीज स्टे ऑनलाइन व्हाइल ऑफिस डाउनलोड्स। यहां पे दोस्तों 5 से 10 मिनट का टाइम लग सकता है, तो आपको वेट कर लेना है। डिपेंड करता है कि आपके कंप्यूटर में इंटरनेट का स्पीड कितना फास्ट है, जितना फास्ट होगा उसके अकॉर्डिंग टाइम लगेगा, लेकिन मिनिमम 5 से 10 मिनट का टाइम लगेगा और आपके कंप्यूटर में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2021 डाउनलोड और इंस्टॉल हो जाएगा। और कंप्लीट होने पर दोस्तों आपको इस तरह का मैसेज देखने को मिल जाएगा, यू आर ऑल सेट ऑफिस इज इंस्टॉल नाउ, यानी कि अब कंप्यूटर के अंदर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2021 डाउनलोड और इंस्टॉल हो चुका है। अब आपको इन सबको बंद कर देना है। आइए चेक करते हैं कि इंस्टॉल हुआ है या नहीं। तो यहां पे देखिए मैं विंडोज के आइकन पे क्लिक करता हूं, और यहीं पे आप देख सकते हो एक्सेल है। पहले मैं एक्सेल को ओपन कर लेता हूं, और एक्सेल को ओपन करने के बाद से मैं यहां फाइल पे क्लिक करके अकाउंट पे क्लिक करता हूं। आप दोस्तों यहां देख सकते हो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस LTSC प्रोफेशनल प्लस 2021, और ये ऑलरेडी एक्टिवेटेड है, प्रोडक्ट एक्टिवेटेड, इसे एक्टिवेट करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद से दोस्तों आइए मैं वर्ड को भी ओपन करता हूं। यहां पे आप देखिए वर्ड को ओपन कर लिया, और वर्ड में भी मैं यहाँ अकाउंट में जाता हूं, आप देख सकते हो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस LTSC प्रोफेशनल प्लस 2021 प्रोडक्ट एक्टिवेटेड। ऑफिस 2021 को सिर्फ आपको डाउनलोड और इंस्टॉल करना है, ये ऑलरेडी एक्टिवेटेड होगा, अलग से आपको इसे एक्टिवेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरह से दोस्तों आप अपने विंडोज 10 या फिर विंडोज 11 लैपटॉप पीसी में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2021 का स्टेबल वर्जन यानी कि फुल वर्जन डाउनलोड और इंस्टॉल कर सकते हो। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो आप इसे लाइक और शेयर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लेना। फेसबुक पे देख रहे हो तो आप मेरे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो कर लेना।